नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य पूनम चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सभी मेरे परिवार का हिस्से हैं। हम समय समय पर कुछ न कुछ विषय के बारे में बात करते रहते हैं, आप और मैं रूबरू होते रहते हैं। तो आज भी मैं आपके भाग्य से जुड़ी एक जानकारी लेकर आई हूं। आपको कैसे पता चले कुंडली से कि मैं भाग्यशाली हूं या नहीं हूं? कुंडली से ये कैसे आपको पता लगे कि आपका भाग्य कैसा है? तो जब भी हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, देखते हैं, अगर आपकी कुंडली में आपका बृहस्पति अच्छा है तो समझ लीजिए कि आप हमेशा भाग्यवान रहने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बृहस्पति को कैसे हम अच्छा बनाएं और कैसे हम बृहस्पति के खराब फलों से बच पाएं। तो कुंडली में देख के हमें पता चलता है कि अगर हमारा बृहस्पति खराब है तो कैसे हम अपने बृहस्पति को ठीक करें जिससे कि हमारा भाग्य अच्छा चल सके, क्योंकि बृहस्पति कारक होता है हमारे भाग्य का। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बलवान है तो आप हमेशा भाग्यवान रहने वाले हैं। इसी तरह से अगर आपका बृहस्पति खराब है तो कैसे हम नेगेटिव बृहस्पति को पॉजिटिव बनाएंगे? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा तो आपको ऐसा क्या करना है कि जिससे आपका भाग्य अच्छा चले, जिससे आपके आ रही कार्यों में आ रही रुकावट ना आए। क्योंकि कई बार हमने देखा, जब भी हमारी कन्या होती है, कोई भी लड़की होती है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं उसका बृहस्पति गुरु ग्रह खराब होता है। अगर आपका गुरु ग्रह अच्छा है तो आपकी शादी हमेशा टाइम पर होगी और आपकी शादी चलेगी भी अच्छी। जिसका भी अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है, ना तो उसकी शादी टाइम पे होगी और ना ही वो आपकी शादी को सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है तो वो आपकी मैरिज को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। बृहस्पति के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहली बात तो कि आप व्रत रखें, और व्रत रखने के बाद जिस भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उसको बृहस्पतिवार को व्रत रखना है, केले का दान करना है और केले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी है। उस पर दीपक जलाए, उस पर कलावा बांधे, बहुत ही जल्दी उस लड़की का विवाह हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो बृहस्पतिवार के दिन अपनी बाई कलाई पर आप हल्दी की एक गांठ बांध लीजिए। जो साबुत हल्दी आती है आपने देखी होगी, उसकी एक गांठ आप बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करते हुए 21 बार 108 बार जाप करते हुए आप उस कलावे को बांध के रखिए। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होगा और गुरु ग्रह बलवान होने से धन की जो समस्या है वो भी आपकी काफ़ी हद तक दूर होती है। क्योंकि जब तक आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा आपके पास धन कैसे आएगा? मेहनत कर करके थक जाएंगे लेकिन धन नहीं आएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है बृहस्पति को भी ठीक रखना। अगर आपका बृहस्पति कुंडली में ठीक नहीं है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल बना के दान करने चाहिए, पीली दाल दान करनी चाहिए। आप कच्चा और पक्का दोनों तरह का भोजन दान कर सकते हैं। किसी पंडित जी को पीले वस्त्र, पीला भोजन और उसमें साथ में दक्षिणा 101 रुपये रखकर ज़रूर दें, जिससे कि आपका बृहस्पति बहुत ही जल्दी अच्छा होता है। क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमारे बृहस्पति गुरु के समान होते हैं। तो उनको दान करने से हमारा गुरु ग्रह बहुत ही जल्दी अच्छा होता है और जो कि आपके भाग्य को सपोर्ट करता है। क्योंकि भाग्य के बिना कुछ मिल पाना तो संभव होता है लेकिन बहुत कुछ मिल पाना संभव नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने बृहस्पति को कुंडली में चेक करा कर उसके अच्छे से आप उपाय करिए ताकि उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकें। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन गले में पीला धागा पहन सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन गले में या जेब में आप पीली हल्दी की गांठ रख सकते हैं, अपनी बाजू में भी बांध सकते हैं और केसर और हल्दी का हर बृहस्पतिवार को आप तिलक जरूर करिए। क्योंकि येलो कलर बृहस्पति का होता है, वो हमारे जुपिटर को प्रेजेंट करता है। उसके लिए हमें हर बृहस्पतिवार अगर हम नियमित रूप से हल्दी या चंदन का, आप हल्दी का भी लगा सकते हैं,
दोनों में से किसी एक का तिलक लगाएं तो भी हमारा जुपिटर बहुत इनहेंस होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी दिन आपको बृहस्पतिवार का नग नहीं पहनना है। अगर आपकी कुंडली में आपका जुपिटर नेगेटिव है, गुरु आपका नेगेटिव है, तो आपको बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के आपको जो पुखराज है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि अगर आपने उसका नग पहन लिया तो वो आपको उल्टे रिजल्ट देगा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि बिना पूछे, कभी भी किसी ज्योतिष के, बिना किसी सलाह के आपको कोई नग पहनना ही नहीं चाहिए। पीले वस्त्र हो गए, पीला धागा हो गया, इससे आपकी एनर्जी जो बृहस्पति की है वो इनहेंस होगी पीला तिलक लगाने से। लेकिन आपको नग बिना किसी उसके नहीं पहनना है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप पहन लेते हैं तो फिर आपको इसके रिजल्ट बहुत ही उल्टे आएंगे, उल्टा आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपको बृहस्पतिवार के दिन जो भी कोई आपके बुजुर्ग हैं, आपके कोई मेंटोर हैं, आपके कोई गुरु हैं, उनके चरण आपको जरूर छूने चाहिए। माता पिता के साथ साथ आपको गुरु के चरण भी बृहस्पतिवार को स्पेशली छूने चाहिए, उनको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए, इससे भी आपके बृहस्पति इनहेंस होते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बिलीव इन कर्मा, जब तक आप कर्म ही नहीं ऐसे करेंगे कि आपको जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके सर हैं, मेंटोर हैं, अगर आप उनकी ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बताइए आपका भाग्य कैसे उज्ज्वल होगा, कैसे प्रबल होगा। तो सबसे पहले आप अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने पिता समान गुरु या गुरु समान पिता, दोनों ही एक बराबर हैं, उनके चरण स्पर्श जरूर करें, उनको कोई ना कोई गिफ्ट लाकर अवश्य दें। इससे तो आपका बृहस्पति ओए होए क्या बढ़िया हो जाएगा, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये उपाय, ये सारे सिद्धियां, ये सब तो नग पहनना, धागा पहनना, वस्त्र पहनना, कलर, क्योंकि कलर भी इनहेंस करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है आपका कर्म। अगर आपने अपने बड़ों की इज्जत कर ली, रेस्पेक्ट कर ली, अपने गुरु की रेस्पेक्ट कर ली, उनसे अच्छे से बात कर ली, उनके पास कुछ समय बिताया, तो आपका बृहस्पति बहुत ही अच्छा रहेगा आपका, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, आपका फ्यूचर अच्छा करेगा। और हाँ, एक बात और, आपके बृहस्पति ही डिसाइड करता है कि आपके पास धन कितना आने वाला है। तो अगर धन आएगा तो आप ये सब उपाय तो जरूर करेंगे। तो अगर आप भी होना चाहते हैं मालामाल, तो करिए बृहस्पति से जुड़े ये सारे उपाय। तो ये था आज का मेरा नया टॉपिक, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।